जनाब गुलाम नबी हजाम, मैं नंबरदार हूँ इलाके का। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ आकर हमारा ये देखा है कि मसला क्या है। मसला ये है कि यहाँ हमारे कब्रिस्तान में बहुत बेहरमती हो रही है। यहाँ मयत है बहुत, इसमें बेहरमती हो रही है। हमने इसमें तारबंदी की है। अब एक आदमी बोल रहा है कि मुझे इसमें रोड दे दो। तहसीलदार साहब भी यहाँ मौके पर आया, उसने भी बोला है मौके पर कि कब्रिस्तान से रोड नहीं जाएगा। मैंने उसके पास भी ये है, वो काजी, उसने आर्डर निकाला, इन्होंने वहाँ रोड भी बंद किया। उसने आर्डर निकाला है कि जो यहाँ घास चराई में तामीरा इस लॉकडाउन में तामीर हुआ है कि वो हटाना है 7 दिनों के अंदर अंदर। अगर उन्होंने उठाया है तो ठीक, वरना हम इनसे वो चार्ज वसूल करेगा और मशीन लाएगा, वो डिसमेंटल करेगा। मगर आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मैं इल्तिमास करता हूँ गवर्नमेंट से कि पुरअमन तरीके से हमारा ये मसला हल होना चाहिए कि खून खराबा अगर यहाँ हो गया, यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर यही आएगा, इन्हीं लोगों का कोई नुकसान पहुंचा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर अमन से मसला हल होगा, क्या ज़रूरत है कोई। कल भी इन्होंने बहुत ही बड़ी यहाँ आपस में झगड़ा किया। मैंने बोला आप मत करो, मैं तहसीलदार के पास जाऊँगा, उससे फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा हमारा ये मसला हल करो। ये बोलता है हमारे 13 मरला ज़मीन इसमें है। मैं बोलता है तहसीलदार साहब से, अगर इनका 13 मरला है इनको दे दो, हम खरीद कर लेगा, हम क्यों इनका हक खाएगा। यह हमारा रिक्वेस्ट है आप जनाब से, आप ये आला हुकाम तक ये मसला पहुंचाएगा। बारना में जो जिस इशू का आप जिक्र कर रहे हैं उसका एक्चुअली हमारी नोटिस में आया, कंप्लेंट आ गई कि कोई वहां पे इलीगली कंस्ट्रक्शन कर रहा है। जिस शख्स के खिलाफ हमें कंप्लेंट आई, तहसीलदार साहब ने उनको बुला के लाया तो उन्होंने कहा कि वो उनकी मलकी थी ज़मीन है, लेकिन कागजात को देख के पता चला कि वो स्टेट लैंड है। तहसीलदार साहब ने एक डिमार्केशन, एक एनक्रोचमेंट ड्राइव के लिए कमेटी तश्कील दी और उसको बुलाया गया, उसको नोटिस दी गई कि 7 दिन के अंदर अंदर वो उसको डिमालिश करे जो उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है। तो मीनवाइल जो टाइम पीरियड था तो वो दूसरे कोर्ट में, एडी साहब के कोर्ट में चला गया अपील के लिए। तो दे हैव आस्क्ड फॉर अ रिपोर्ट, इनसे तहसीलदार साहब से उन्होंने रिपोर्ट एक मांगी है, तो जो तहसीलदार साहब ने 2-4 दिन पहले सबमिट की है। तो रिपोर्ट तो मांगी है और वो एडी साहब के कोर्ट में चले गए हैं, बट ये इलीगल है और गवर्नमेंट लैंड है तो उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है। तो इंशाल्लाह वहाँ से भी, सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट लैंड है, अलाउ तो नहीं करेंगे। वहाँ से जस्ट तहसीलदार साहब रिपोर्ट का इंतजार करें, वहाँ से क्या डायरेक्शन आएगी तो इस पर एक्शन किया जाएगा।